प्रणाम, हम माने रामचंद्र यादव। आज आप सबके इस चैनल के माध्यम से कुछ खास मुलाकात करावे चलते हैं, और खास मुलाकात जिनकरा से हुई थोड़ा सस्पेंस बा, लेकिन मिला जरूरी बाटे खास मेहमान से। जी, आपका स्वागत बाटे, और हमारे दर्शक लोग अपने बारे में बताइए, और खास मेहमान जो ना आपके गोदी में बैठल बा, और आप भी खास मेहमान बानी। सबके हमारे प्रणाम, हम है नेहा श्री, और हमारे घर एक नई मेहमान आई है जिसका नाम बुलबुल है। मैगी से तो आप सब पहले मिल ही चुके हैं। और थैंक यू सो मच अपना भोजपुरी प्लैनेट एंड गंगा, जिन्हों जो मेरे ऑफिस में आए और मेरे खास मेहमान से मिले। तो खास मेहमान से कुछ बुलवाएंगे? ये तो कुछ नहीं बोलेगी, बहुत छोटी है अभी, ये 4 महीने की है जस्ट अभी, और ये रात को मेरे साथ ही सोती। अकेले नहीं सोती? नहीं, मैं अकेले नहीं सोती हूँ, और ये मेरे 2 बच्चे हैं, मैगी और बुलबुल, तो इनके साथ सोने में मज़ा आता है मुझे। अच्छा, अभी बच्चों की बात आई तो किसी ने आपसे पूछा था, मैंने सुना कि आपकी शादी हुई था, मतलब हाँ मेरे घर में 2 बच्चे हैं, तो क्या राज था, और उसका जवाब इस तरह के सामने कैसे? ओह माय गॉड, सीरियसली रामचंद्र जी, मैं इस बात से, पता है मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है कि लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सबको मालूम है कि मैं अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग पूछ लेते हैं। वो इसलिए पूछ लेते हैं, रीज़न है क्योंकि मेरी एक फिल्म आई है शादी करके फंस गया यार, तो लोगों को लगता है कि मेरी शादी हो गई है, और 2 बच्चों की बात है तो ये पेट्स हैं, लेकिन मैं इनको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ, क्योंकि ये सारा दिन मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खाते हैं, तो ये एक फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो किसी ने सोचा कि रियल में 2 बच्चे हैं, और उसने सब जगह बोलना शुरू कर दिया कि नेहा श्री की शादी हो गई और उनके 2 बच्चे भी हैं। शादी का ख्याल कब है? असली शादी है तो फिल्मों में आप कई बार शादी करती हैं, प्यार मोहब्बत करती हैं, तो असल ज़िंदगी में ये सब कब होने वाला है? रियली शादी करके मैं फंसना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मैं इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहती हूँ, और एक कलाकार के लिए जब तक उसका मेकअप फेस पे ना चढ़े तो अधूरी सी ज़िंदगी रहती है, और शादी के बाद ये सब तो पॉसिबल है नहीं, और घर वाले सोचेंगे, मम्मी सोचेंगी इस बारे में, अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं। चलिए, आपने सोचा नहीं, लेकिन आज के बाद 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उसमें भी तो किसी ने कोई गुलाब फूल देगा, अभी प्रपोज डे गया, टिड्डी बियर डे, क्या क्या डे होते हैं सेहतों दिन? बहुत सारे डेज है, और डेज तो चल ही रहे हैं, मैं सबको मैसेज भी करती हूँ, सब मुझे भी दे फ्लावर्स, रोज़ डे पे मुझे बहुत सारे फ्लावर्स भी आए थे, और टेडी, आज टेडी डे है, आप टेडी डे पे आए हैं, तो मेरे पास 2 टेडी है जो मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूँगी, आपके लिए थैंक यू, गलत मत समझिएगा, लेकिन लव यू मतलब ये इंडस्ट्री वाला लव यू ऑल वाला लव यू है। रही बात वैलेंटाइन डे की, तो वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल डे होता है जो हर कोई अपने वैलेंटाइन के साथ मनाता है, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कि कौन आने वाला है मुझे अपना वैलेंटाइन बनाने के लिए, क्योंकि ये तो लड़के प्रपोज करते हैं, लड़कियाँ थोड़ी ना जाती है। तो प्रपोज डे पे किसी ने प्रपोज किया कि नहीं आपको? प्रपोज डे पे नहीं, अभी तक तो मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया, मेरे फ्रेंड सर्कल है, मस्ती मजाक करते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अभी प्रपोज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेहा श्री के साथ लव इन रिलेशनशिप में जाना भी कोई आसान बात नहीं है, बहुत सोच समझ के मैं अपना पार्टनर चुनूंगी लाइफ में, और सबसे पहले मेरी फैमिली को पसंद आना चाहिए वो, और उसको मेरे काम से प्यार होना चाहिए, बस खाना बनाना भी आना चाहिए उसको। दर्शक लोग देख लें इनकर महत्वाकांक्षा, मतलब कि वो आदमी बेचारा इनका पूरा दिन रात सेवा हुजूरी में लगा रहे, काम धंधा छोड़ के खाना बनावे, इनकर देखभाल करे, मतलब ऐसे दिन में ऐसा कोई लड़का आज के डेट में है नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा कोई ना कोई तो होगा कहीं पे कहीं, वो कहते हैं ना कभी तो आएगा वो, कभी ना कभी मैं बनूंगी उसकी, तो मुझे भी इंतज़ार है कि वो कब आएगा, इंडस्ट्री का होगा कि बाहर का होगा, गॉड नोज, साईं बाबा। तो वैलेंटाइन डे के क्या प्लानिंग बटे? वैलेंटाइन डे की मेरी ये प्लानिंग है कि आई होप कि एज इन, जैसे आप जानते हैं कि नेहा श्री प्रोडक्शन हाउस खुला है, और उसमें मैं एक फ़िल्म का मुहूर्त कर रही हूँ 14 तारीख को, क्योंकि मैं हमेशा हर त्यौहार मीडिया के साथ बनाती हूँ, अपने दोस्तों के साथ बनाती हूँ, फैमिली के साथ बनाती हूँ, तो ये वैलेंटाइन डे मेरी फ़िल्म सपेरा 2 का मुहूर्त होगा, जिसमें हीरोज़ के कौन कौन है ये आपको उस दिन पता चलेगा, और नेहा श्री प्रोडक्शन की ये 3री फिल्म होगी, और 4थी 5वीं जस्ट आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो होती रहेगी। प्लैनेट भोजपुरी।